गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बेटे आज हम लोग करेंगे क्लासिफिकेशन का एक न्यू चैप्टर और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टूडेंट। देखो बेटे, हमने अपनी प्रीवियस चैप्टर्स में सेंसर्स और सैंपल के थ्रू डाटा कलेक्ट किए हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि उन डाटा को जो हमने कलेक्ट किया है, हम उनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उनको डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड करेंगे। तो देखो बेटे, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन का अर्थ क्या है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर, फिगर बने डाटा। ऑर्गेनाइजेशन करने का अर्थ क्या है, फिगर्स को इस तरह से अरेंज करना, इस फॉर्म में अरेंज करना। कंपैरिजन ऑफ मैथ सिमिलर डाटा, मैथ का मतलब क्या है, जो हमने बहुत सारे डाटा, सिमिलर डाटा जो हमने कलेक्ट किए हैं, उनको हम लोग इस तरह से अरेंज करें कि हम उनको बेसिकली क्या कर सके, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सके। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एक अरेंजमेंट है फिगर्स का, इस फॉर्म में करना है। कंपैरिजन ऑफ मास सिमिलर डाटा, यानी कि जो बहुत अधिक संख्या में हमारे पास डाटा है, उनकी हम लोग कंपैरिजन कर सके। एंड फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल, और उसके आधार पर हम लोग फर्दर एनालिसिस भी कर सके, फर्दर हम लोग उसके आधार पर विश्लेषण भी कर सके। तो बेटे हम उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा एक अरेंजमेंट है जिसके अंदर हम लोग, हमारे पास जो बेसिकली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, क्योंकि स्टैट क्या है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो बेटे उन डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है ताकि हम उनकी कंपैरिजन कर सकें और फर्दर उसके आधार पर एनालिसिस भी कर सकें। तो बेटे इसी रेफरेंस में हम लोग करेंगे हमारा जो चैप्टर है बेटे, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन आपको क्लियर हुआ कि डाटा को इस तरह से अरेंज करना है, उनको कंपेयर किया जा सके, उनको आगे फर्दर एनालाइज किया जा सके। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, गिवन इन्फॉर्मेशन को क्लास के अंदर डिवाइड करना, उनकी सिमिलैरिटीज के आधार पर, उनकी डाइवर्सिटी के आधार पर। सिमिलैरिटी क्या होते हैं, सेम इन्फॉर्मेशन, डाइवर्सिटी क्या होती है, डिफरेंट डाटा की इन्फॉर्मेशन। तो बेटे देखो, जैसे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मान लो बेटे बेसिकली प्लस वन के अंदर 80 स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्राइटेरिया रखते हैं जिसके आधार पर हम लोग क्या कर देते हैं, स्टूडेंट्स को दो सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्टूडेंट्स को दो सेक्शन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो बेटे हम लोग उसको क्या कहते हैं, हम लोग बेसिकली इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम गिवन इन्फॉर्मेशन को, गिवन डाटा को, उनकी सिमिलैरिटी, डिसिमिलैरिटी के आधार पर डिवाइड कर देते हैं। उसी को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन। कम टू द पॉइंट, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच डाटा इज डिवाइडेड, डाटा को डिवाइड करते हैं डिफरेंट क्लासेस में ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डाइवर्सिटी, उनकी सिमिलैरिटी के आधार पर, उनकी डाइवर्सिटी के आधार पर, विच इज नोन एज क्लासिफिकेशन। इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास, डाटा जो है, उनको हम लोग डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो बेटे, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है तो मैं उस इन्फॉर्मेशन को बेसिकली एजुकेटेड अनएजुकेटेड में डिवाइड कर सकती हूँ, मेल फीमेल के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ, ठीक है ना, स्किल्ड अनस्किल्ड के अंदर डिवाइड कर सकती हूँ। तो बेटे मैंने क्या किया है स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, व्हाई वी आर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई, क्लासिफिकेशन करने का क्या उद्देश्य है। तो बेटे फर्स्ट है हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस। सिंप्लीफिकेशन क्या होता है बेटे, जो इन्फॉर्मेशन, जो डाटा हमारे पास है, क्लासिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि डाटा को, यानी कि गिवन इन्फॉर्मेशन को जो क्वांटिटेटिव फॉर्म में है, इस तरह से रिप्रेजेंट करना ताकि उसको सिंप्लीफाई किया जा सके, उसको अंडरस्टैंडेबल बनाया जा सके, एज वेल एज उसका ब्रीफ प्रेजेंटेशन। ब्रीफ क्या होता है बच्चों, उसको संक्षिप्त रूप में रिप्रेजेंट किया जा सके। तो बेटे हमारा जो बेसिकली क्लासिफिकेशन है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है कि उसको सिंप्लीफिकेशन किया जा सके और उसको ब्रीफ फॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया जा सके। सेकेंड वन इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है, उपयोगिता। क्लासिफिकेशन क्या करता है, इनहेंसेज यूटिलिटी ऑफ डाटा। यू बेटा देखो, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के आधार पर आंकड़ों को क्या करता है, डिवाइड करता है, डाटा को डिवाइड करता है, जिसके कारण बेटे जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उनकी यूटिलिटी पहले से बढ़ जाती है। यूटिलिटी का अर्थ क्या होता है बच्चों, उपयोगिता। उपयोगिता कैसे बढ़ेगी कि जो क्लासिफिकेशन है बेटा, वो डाटा को डाइवर्सिटी और सिमिलैरिटीज के आधार पर डिवाइड करके डाटा की यूटिलिटी को इनहेंस कर देता है। नेक्स्ट वन कंपैटिबिलिटी। अब देखो बेटे, क्लासिफिकेशन के दौरान हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, डिफरेंट क्लास के अंदर डाटा को डिवाइड करते हैं, एंड इट आल्सो इनहेंस
इनहेंस द कंपेटेबिलिटी कह सकते हैं हम लोग, बेसिकली ये हमें किस चीज की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, कंपैरिजन की, एस्टिमेटिव की, अनुमान लगाने की फैसिलिटी हमें किससे मिलती है बच्चों, हमारे क्लासिफिकेशन से। तो क्लासिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव कैसा है कि क्या है कि डाटा को इस तरह से रिप्रेजेंट करना है डिफरेंट क्लासेस के अंदर ताकि हम उनकी कंपैरिजन कर सकें आपस में और उनके बारे में अनुमान लगा सकें। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक अरेंजमेंट। क्लासिफिकेशन क्या करता है, डाटा को साइंटिफिकली अरेंज करता है, जिसके कारण अगर मान लो बेटे हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं, अवेलेबल कराते हैं, तो किस तरह से अवेलेबल कराएंगे ताकि वो इन्फॉर्मेशन एक सिस्टमैटिक तरीके से हमारे पास हो। तो बेटे यहाँ पर क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डाटा को साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से अरेंज करते हैं और एक सिस्टमैटिकली और साइंटिफिक अरेंजमेंट करने के बाद बेटा जो डाटा होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, वो काफी रिलायबल बन जाती हैं। नेक्स्ट वन करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। क्लासिफिकेशन क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बना देता है, ठीक है ना। और नो डाउट अट्रैक्टिव होने के साथ साथ बेसिकली जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है, रीडर को ज्यादा अट्रैक्ट करती है पढ़ने वाले को, क्योंकि बेटे एक तो आप इन्फॉर्मेशन को बेसिकली वैसे ही रो डाटा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन आपके पास है वैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, एक आप इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो बेटा वहां पर वो इन्फॉर्मेशन जो गिवन डाटा है वो अट्रैक्टिव होने के साथ साथ काफी इफेक्टिव भी रहते हैं। बेटे इसी टॉपिक के अंदर हम लोग करेंगे हमारे क्लासिफिकेशन के बेसिस। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका मीनिंग क्या है बेटे कि हम लोग क्लासिफिकेशन किन आधार पर करते हैं। तो बेटे यहाँ पर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है, चार ऐसे बेसिस हैं जिनके आधार पर हम लोग डाटा को क्या करते हैं बच्चों, क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट वन इज ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन विच इज नोन एज स्पेक्चुअल क्लासिफिकेशन। सेकेंड वन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड वन न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। न्यूमेरिकल को बच्चों हम लोग क्या कह सकते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन भी कह सकते हैं। और बेटे फोर्थ है हमारा क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन में दो तरह के होते हैं बच्चों, एक सिंपल और दूसरा है स्टूडेंट हमारा मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं बेटे इनके पॉइंट, मैंने आपको बताया कि फर्दर हम लोग बेसिकली फोर टाइप से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। फर्स्ट वन है स्टूडेंट हमारा ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। व्हेन डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल फैक्टर। जब हम लोग बेटे हमारे पास जो डाटा गिवन होते हैं उनको ज्योग्राफिकल लोकेशन, ज्योग्राफिकल एरिया के आधार पर, उनकी स्पेक्चुअल स्थानिक स्थिति के आधार पर, भौगोलिक स्थिति के आधार पर जब हम लोग डाटा को डिवाइड करते हैं बेटे या क्लासिफाई करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, बेसिकली ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन। मान लो बेटे इसमें एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब बात करेंगे जैसे हरियाणा के बारे में, पंजाब, यूपी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर हरियाणा के अंदर लोगों का जो बेसिकली नंबर ऑफ या परसेंटेज ले लेते हैं, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट, परसेंटेज ऑफ लिटरेसी रेट हरियाणा के अंदर लिटरेसी रेट का परसेंटेज है स्टूडेंट 67%, पंजाब के अंदर ये परसेंट है स्टूडेंट हमारा 69%, और यूपी के अंदर जो परसेंटेज है वो काफी कम है, इट इज जस्ट 47%। तो बेटे हमने जो कंपैरिजन की है स्टूडेंट वो हमने लोकेशन के आधार पर की है कि हरियाणा के अंदर लिटरेसी रेट का परसेंटेज 67% है और पंजाब के अंदर कितना है स्टूडेंट 69% है और यूपी के अंदर कितना है 47%। बिकॉज इन दिस ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन डाटा आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफिकल लोकेशन। सेकेंड वन इज क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। व्हेन वी क्लासिफाइड द डाटा अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम बिकम अ कंपेयरिंग फैक्टर। अब देखो बेटे जब हम लोग समय के अनुसार डाटा को डिवाइड करते हैं तो हम बेटे उसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आप क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर यहां लिख देती हूँ मैं, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं तो क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल क्या बनेगा स्टूडेंट, यहां आप लोग लिख सकते हैं ए कंपनी की सेल के बारे में, ए कंपनी के बारे में उसकी सेल के बारे में आप लिखेंगे कि बेसिकली डिफरेंट ईयर्स के अंदर 2019 में कंपनी की सेल कितनी है, 2020 में कंपनी की सेल कितनी है, ओके ये आ गया सेल ऑफ द पीरियड, इस पीरियड के अंदर सेल कितनी है,
तो बेटा मान लो कंपनी की यहाँ पर जो सेल है वो कितने की है, 2019 में 20 लाख की है, उसके बाद कंपनी की सेल बढ़कर हो जाती है स्टूडेंट 45 लाख। तो बेटा हमने जो कंपैरिजन किया है स्टूडेंट वो हमने किसके आधार पर किया है स्टूडेंट, टाइम के आधार पर। किस आधार पर किया है हमने, टाइम के आधार पर किया है। आगे देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन नोन एज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो बेटे जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन होता है विच इज नोन एज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, यहाँ पर हम लोग व्हेन वी क्लासिफाइड द डाटा अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यू, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग डाटा को डिवाइड करते हैं। जैसे वेट है बेटे, दैट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, हाइट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ, हाइट को भी हम लोग क्या कर सकते हैं बेटे, सेंटीमीटर्स में मेजर कर सकते हैं। तो बेटा मेरे कहने का मतलब क्या है कि जिन भी, जब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं इन्फॉर्मेशन का, डाटा का, तो हम लोग बेटे अगर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के थ्रू करते हैं, क्वांटिटी के आधार पर करते हैं, तो बेटे हम लोग उसको क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। जैसे आप लोग अपने लिए भी ले सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या बना सकते हैं कि आपके 10th क्लास में कितने परसेंटेज है। मान लो आपके 10th क्लास में 96% है, 11th क्लास में आपके परसेंट FA1 के अंदर 94% है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, कंपैरिजन कर सकते हैं ना। और आपने ये कंपैरिजन किस बेस पर किया है, न्यूमेरिकल वैल्यूज के आधार पर। आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटे, एक कंपनी का सेल ले सकते हैं, मान लो एक कंपनी के डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट ले लीजिए, तो आप वहां ईयर्स को बेस नहीं मान रहे, आप किसको बेस मान रहे हैं वहां पर, न्यूमेरिकल वैल्यूज को। व्हेन वी क्लासिफाइड द डाटा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल वैल्यूज, नोन एज क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हेन वी क्लासिफाई द डाटा अकॉर्डिंग टू क्वालिटी। इन दिस क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन बेसिकली वी डिवाइडेड द डाटा अकॉर्डिंग टू डिचोटॉमी। डिचोटॉमी क्या होता है, द्विभाजन। हम लोग आंकड़ों को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो बेटा जो हमारा बेसिकली क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है वो हमें क्या बताता है, प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी और अब्सेंस ऑफ क्वालिटी के बारे में, किसके बारे में बताता है, क्लासिफिकेशन। बेटे बेसिकली हम लोग इवन इन्फॉर्मेशन को क्वालिटी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। बेटे हम लोग इवन इन्फॉर्मेशन को ऑक्यूपेशन के आधार पर, लेवल ऑफ एजुकेशन के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, स्टेटस के आधार पर, मंथली इनकम के आधार पर, डाटा को बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, विच इज नोन एज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स दो तरह का होता है, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है स्टूडेंट हमारा मैनीफोल्ड। तो सिंपल क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली यहाँ पर हम लोग क्वालिटी को डिवाइड कर देते हैं कि या तो वो क्वालिटी है, इट शोज प्रेजेंस ऑफ क्वालिटी एज वेल एज द अब्सेंस ऑफ क्वालिटी, या तो क्वालिटी आपके अंदर है या वो क्वालिटी आपके अंदर नहीं है, नोन एज सिंपल क्लासिफिकेशन। अब देखो बेटे यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिचोटॉमी। This is because data are divided on the presence of quality and on the absence of quality, known as simple classification. इसे बेटे आप लोग example लिख सकते हैं, educated, uneducated, rich, poor, okay? अब हम बात करते हैं manifold classification. When data are classified more than one, ये तो single है बच्चों, presence or absence of quality. ये बात कर रहे हैं बेटे हम लोग manifold classification की। तो manifold classification क्या होता है बच्चों, one or more. When data are classified, one or more characteristics, एक या एक से ज्यादा विशेषताओं के आधार पर अगर हम डाटा को डिवाइड करते हैं बच्चों, तो हम उसको क्या कहते हैं, मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। क्या कहते हैं उसको, मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसके लिए बेटे आप एक डायग्राम का सहारा ले सकते हैं, आपकी बुक में गिवन है। जैसे एक फैक्ट्री है स्टूडेंट, एक्स वाई जेड, यहाँ पर वर्कर्स काम करते हैं। कुछ वर्कर्स क्या है स्टूडेंट, स्किल्ड है, काम में निपुण है, और कुछ वर्कर क्या है, अनस्किल्ड है। ओके, तो जो स्किल्ड वर्कर हैं, उनमें से अर्बन एरिया से कितने आते हैं वर्कर्स, और रूरल एरिया से कितने आते हैं। फर्दर अनस्किल्ड वर्कर में कितने अर्बन एरिया से आते हैं और कितने वर्कर रूरल एरिया से आते हैं। जो अर्बन से आते हैं उनमें से कितने लिटरेट हैं, यानी कि पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं जस्ट, और कितने इलिटरेट हैं, कितने बुरी तरह से क्या है, अनपढ़ है। ऐसे ही स्टूडेंट अर्बन के अंदर भी आप लोग ऐसे ही रूरल के अंदर लिटरेट और इलिटरेट को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर हो जाएगा बेटे, ऐसे ही फर्दर हम लोग इसके अंदर भी क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो बेटे, मैंने यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा, उसको कितने आधार पर डिवाइड किया, पहले स्किल्ड और अनस्किल्ड, फिर दूसरा मैंने क्या लिया बच्चों, क्वालिटी अर्बन है या रूरल है, उसके बाद अर्बन के अंदर कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग निरक्षर लिटरेट है और कितने इलिटरेट है। ऐसे बेटे रूरल में कितने लिटरेट है, कितने इलिटरेट है,
ऐसे ही बेटे यहाँ पर अर्बन सेक्टर में बेसिकल जो अनस्किल्ड वर्कर है कितने इलिटरेट है, कितने लिटरेट है। ऐसे ही स्टूडेंट रूरल सेक्टर में कितने लिटरेट है और कितने इलिटरेट है। तो बेटे दीज आर नोन एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेटे इस वीडियो के अंदर आपको मैंने मीनिंग और बेसिकली इसकी जो ऑब्जेक्टिव है कि क्लासिफिकेशन का क्या उद्देश्य है और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कराया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स रेगुलर कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि आपको सारा पढ़ाया गया अच्छे ढंग से समझ में आए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।